पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना 35वें दिन भी जारी रहा। किसान के एमपी केजीपी एक्सप्रेसवे पर 7 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर यात्रा के लिए भी तैयार हैं। मौके पर किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने, क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी है। लगातार क्रमिक भूख हड़ताल भी यहां पर चली हुई हैं। मैं बता दूं कि किसानों को यहां पर बारिश से भी परेशानी हो रही है। सर्दी से बचाने के लिए किसान, आप देख सकते हैं, अलाव का सहारा यहां ले रहे हैं। ये तेवतिया पाल के किसान हैं जो लगातार दिन रात यहीं धरने पर बैठे हुए हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर लोगों को भी परेशानी हो रही है। कच्चे रास्तों से लोगों को यहाँ निकलना पड़ रहा है। रास्तों में देख सकते हैं सामने पानी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से दिक्कतें और लोगों को भी हो रही है यहाँ से निकलने वालों को। मैं बता दूं कि जिस तरह से क्रमिक भूख हड़ताल लगातार चल रही है, तो क्रमिक भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। रावतपाल के किसान, आसपास के गांव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। रावतपाल के किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। बात करेंगे किसान नेता राजेश बहीन से, क्या कहोगे इस बारे में, जो लगातार क्रमिक भूख हड़तालें भी चल रही हैं और जो कल आपका शक्ति प्रदर्शन कहें, जो ट्रैक्टर यात्रा केजीपी केएमपी एक्सप्रेस पर निकाली जाएगी, क्या उद्देश्य है इसका? देखो, सरकार को सारी चीज़ों का कल पता चल जाएगा। जिस तरीके से गांवों में मुनादी करा दी गई है और सारे किसान एकत्रित होकर इस हाईवे पे जिस तरीके से चलेंगे, और सरकार को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा किसान में कितना दम है। किसान ये सरकार चाहती है किसान इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने अड़ियल रवैया अपना रखा है, ये किसान डर के भाग जाएगा। किसान तो 24 घंटे काम और मेहनत मजदूरी करने, कस्सी चलाने वाला किसान है, और नंगे पैरों से रात को पानी देता है उसको। कितने किसान हमारे जो जैसे जहरीले सांपों से उनसे कई बार उनको घायल कर देते हैं, जब भी वो मिट्टी लगा के और चल देता है। ये सरकार क्या चाहती है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, पर जो सारी चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। और जिस तरीके किसान आर पार की लड़ाई में रहेगी, झुकेंगे नहीं, बिल्कुल 100% आर पार की लड़ाई में किसान रहेगा। और जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, जब तक किसान डटा हुआ है और बिल्कुल डटा रहेगा। एक हमारा किसान का एक एक बच्चा इन कानूनों के खिलाफ है, और सरकार कहती है कानून लागू करो, और किसान चाहता है कानून नहीं चाहता इन कानूनों को। क्या कहोगे, जिस तरह से 60 के करीब मौतें भी हो चुकी हैं धरना स्थल पर, जिस तरह दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई, सर्दी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। देखिए, दिल्ली के चारों तरफ तमाम जो सारे भी बॉर्डर हैं उन पे हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, और उनमें 60 लोगों जो है हमारे भाई शहीद हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमें शहीद का दर्जा मिले, किसान भाइयों को शहीद का दर्जा मिले, और सरकार को किसान के बारे में सोचना चाहिए। अगर रवैया जो सरकार का है वो छोड़कर किसानों के हित में अपना फैसला लेना चाहिए, और जो तीन कानून सरकार ने बनाए हैं उनको बिल्कुल रद्द करना चाहिए। और सरकार से हमारा विनम्र निवेदन भी है कि जब तक किसान नहीं हटेगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने पूरे गांव में अपना जो है जोर शोर से पूरा कल तैयारी कर ली है। अब बात करें जिस तरह से आप जो ट्रैक्टर यात्रा कल निकलेगी, किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि 25 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में शामिल होंगे। क्या ये उस परेड की रिहर्सल है कल जो होने जा रहा है? कल जो ये रैली होने जा रही है उस 26 जनवरी की रिहर्सल है। सरकार की नींद खोलने के लिए, सरकार की नींद अगर कल नहीं खुलती है तो हम 26 जनवरी को तिरंगे झंडे को अपने ट्रैक्टरों पर लगा के 26 जनवरी के परेड में शामिल होंगे। तब सरकार कब तक डटे रहोगे, संघर्ष करते जब तक तीनों कानूनों की वापसी नहीं हो जाती और MSP पर कानून नहीं बन जाता, तब तक हम पूरे जोश के साथ इसमें डटे हुए हैं। तब तक तीनों कानून की वापसी नहीं हो जाती तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ रावतपाल के किसान जो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरे वो किसान जो लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, धरना स्थल में शामिल हो रहे हैं आसपास के गांवों से। इनका कहना है कि वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे, कृषि कानून को रद्द कराकर MSP पर कानून बनवा कर ही घर वापसी करेंगे, पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और कल जो ट्रैक्टर यात्रा KGP KMP एक्सप्रेस पर निकाली जाएगी उसके लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली है। पलवल से दिनेश कुमार, वी न्यूज़।